लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सुविधा एक्सप्रेस का एसी खराब, हंगामे के बावजूद बिना रिपेयर किए रवाना कर दी ट्रेन। एक पांच सुविधा एक्सप्रेस का एसी खराब, हंगामे के बावजूद बिना रिपेयर किए रवाना कर दी ट्रेन। आनंद विहार से सियालदह को जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस का एसी खराब होने पर यात्रियों ने मुगल सराय में किया हंगामा। उसी हालत में ट्रेन को आगे के लिए कर दिया रवाना। चंदौली, रेलवे का सितम लगातार जारी है। अधिकारी ऑफिस में मस्त हैं और रेल यात्री भीषण गर्मी में फजी हद झेलने को मजबूर। महीनों पहले महंगी दर पर रेल टिकट बुक करने पर भी सहूलियत के नाम पर उन्हें ठेंगा मिल रहा है। सोमवार की शाम 02:26 आनंद विहार सियालदह एक्सप्रेस का एसी खराब हो गया। यात्रियों ने जमकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि वे तोड़फोड़ पर भी उतारू हो गए। बावजूद इसके रेलवे को इससे कोई असर नहीं पड़ा। यात्रियों की महज शिकायत दर्ज की गई और उसी हालत में ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। ताज़ा मामला मुगल सराय रेलवे स्टेशन का है, जहां सोमवार की शाम 02:26 आनंद विहार सियालदह एक्सप्रेस के पहुंचते ही दो एसी कोच के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर उतर कर हंगामा करना शुरू कर दिया। दोनों बोगियों B1 और B8 का एसी नहीं चल रहा था। एसी कोच में एसी न चले और वो भी गर्मी के दिन में, तो वे उसमें बैठे यात्रियों के लिए तंदूर से कम नहीं। यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच ट्रेन चलने लगी तो यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। इससे नाराज यात्रियों का गुस्सा और शांत हो गया। वो लोग हंगामा और नारेबाजी करने लगा। यात्रियों का गुस्सा ऐसा था मानो वह स्टेशन पर तोड़फाड़ पर उतारू हैं। पर उनके इस गुस्से का रेलवे और उसके अधिकारियों की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ा। यात्रियों ने इसकी शिकायत के लिए मुगल सराय के मंडल रेल प्रबंधक DRM को कई बार फोन किया, पर DRM के यहाँ फोन तक रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद यात्रियों ने रेल मंत्रालय को शिकायत दर्ज कराई। रेलवे ने यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए तो कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ किया तो वह ये कि GRP लगातार यात्रियों को मनाने में जुटी रही। इस बीच मेंटेनेंस विभाग के कुछ कर्मचारियों को यात्रियों ने गुस्से के चलते लगभग बंधक ही बना लिया। GRP नाराज यात्रियों का गुस्सा शांत करने में जुटी रही और इसी मान मनवल के दोनों कोच का एसी बिना रिपेयर किए हुए उसी हालत में ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। मायूस यात्रियों ने रेल मंत्रालय को जमकर कोसा। यात्रियों का कहना था कि रेल मंत्रालय ने सुविधा के नाम से ट्रेन तो चला दी, पर इसमें यात्रियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया है। महंगा टिकट खरीदने के बाद भी ये हालत है कि एसी कोच में एसी तक नहीं चल रहा।